अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फोजिया ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए, भाई के लिए शॉपिंग करनी है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वॉच, असल में शादी भी करीब है और बारिश की वजह से हम लोग ज़्यादा निकल भी नहीं पा रहे। आपको पता है कराची के क्या हालात चल रहे हैं, तो इस वजह से शॉपिंग भी काफ़ी लेट हम लोगों ने स्टार्ट की है। ये थोड़ी फिटिंग फिट होगी, ये ओरिजिनल दिखाई ना, 1,70,000 रुपये। और यहाँ से पहले हमने वॉच देखी, ठीक है, जो कि शादी में भाई पहनेंगे, तो बारात के लिए उनके लिए वॉच देख रहे थे हम। और यहाँ पे हमने काफ़ी सारी मतलब ब्रांड की देखी हैं, ओरिजिनल भी देखी हैं, कॉपीज़ भी देखी हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे। और इस शॉप पे काफ़ी अच्छी वॉच थी जेंट्स में, लेडीज़ में भी मैंने देखी है मतलब अपने लिए, लेकिन उसमें मुझे इतनी ख़ास कोई पसंद नहीं आए। और वॉचेस की तो मुझे बहुत ही मतलब मैं बहुत शौकीन हूँ और वॉच मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमें वैसे ये वाली गोल्डन और ब्लैक वाली पसंद आई थी वॉच। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सी वॉच अच्छी लगी है। इसका कलर वाला लाइफ टाइम स्टील है, खाली नहीं होगी कभी भी घड़ी, पानी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप क्या सोच रहे हो? बात नहीं, देख कुछ भी नहीं होता है, ये ज़्यादा भी अच्छी देख ले, यहीं होगा, ये अच्छी लग रही है। दूसरा मंगवाया था ये शादी वाले दिन पहनने, बारात वाले दिन, शादी वाले दिन नहीं पहन सकते। आप रोलेक्स पहनोगे तो मज़ा आएगा। जी शॉप मॉडल लेंगे ना, इसमें इससे अच्छी कॉपी भी है मेरे पास, 60,000-70,000 रुपये की है, इससे अच्छी कॉपी 1,00,000 रुपये की, 2,00,000 रुपये की, लेकिन नॉर्मल में। और आप सब ज़रूर कमेंट करके बताएगा इनमें से आपको वॉच कौन सी पसंद आई, और आप लोगों को पर्सनली किस टाइप की वॉच पसंद है, कौन से ब्रांड की पसंद है, तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है। इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रहा है ये वाला मॉडल, एक ये मॉडल देखिए, गोल्ड देखा ना, वो माइकल कोर्स की कॉपी है। और ये कितने के? ये तो 14,000। अच्छा, एक मेरे माइकल कोर्स है ओरिजिनल, ओरिजिनल मींस ये कि वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना, मैं ब्लॉग बनाती हूं, लोग बनाते हैं, मेरा चेहरा ना आना कई बार लाइक, मैं अपना भी नहीं खाती। फाइनली अभी हम लोग आए हैं ड्रेस देखने के लिए, मतलब बारात के लिए जो हम देखना चाह रहे हैं शेरवानी, ठीक है, और वलीमे के लिए हम लोग पेंट कोट देखना चाह रहे हैं, और मेहंदी मायों के लिए भी हम चाह रहे हैं कुछ डिफरेंट डिज़ाइन हो, तो वो भी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो हम देख रहे थे शेरवानी देख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ऑफ वाइट सिंपल वाला पसंद आया था। और इसके अलावा मतलब जैसे काफ़ी हैवी इसमें काम वाले मिलते हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, हमें सिंपल और डिसेंट जो है इस टाइप की शेरवानी पसंद है। आजकल ना इस टाइप की बहुत शेरवानी आ रही है, बहुत हैवी काम किया होता है, तो वो हमें इतनी नहीं पसंद, ठीक है, लाइट सा कलर भी लाइट हो और ज़्यादा काम भी ना किया हो, जैसे स्लीव्स पे और कॉलर्स पे बस काम किया हो लाइट सा, ठीक है, इस टाइप का अच्छा लगता है ना, इतना हैवी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर पेंट कोट भी देख रहे थे, और फर्स्ट दुकान से इसलिए उठ के आ गए हम लोग कि हमने कहा कुछ और दुकानें देख लें, ठीक है, हो सकता है कहीं और पसंद आ जाए, ठीक है, तो कुछ दुकानें पहले इंसान को घूमनी चाहिए कि हो सकता है आपको कोई और चीज़ पसंद आ जाए, उससे अच्छी बेहतर चीज़ मिल जाए। तो आप 4-5 या 10 दुकानें घूमें, ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा पसंद आया और कौन सी आपको चीज़ चाहिए, ठीक है, हो सकता है बेहतर क्वालिटी में मिल जाए। और ये देख सकते हैं ये येलो कलर में मायों के हिसाब से था, लेकिन मुझे इस टाइप के बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये 3 पीस भी ड्रेस थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे लेकिन इतना कुछ ख़ास नहीं लगा हमें। अच्छा, यहाँ पे ना मायों मेहंदी के लिए देख रहे थे भाई के लिए ना, तो इतना कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये वाली जो शॉप थी ना, ये पूरी मार्केट में ना ये शॉप मुझे ज़्यादा अच्छी लगी और बेस्ट लगी है। मतलब मायो मेहंदी के जो हैं जेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, ठीक है, मायो मेहंदी के लिए लें या बारात वलीमे के लिए, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे डिज़ाइन प्रिंट थे।
और हम लोग ये मायों के लिए भी देख रहे थे, मेहंदी के लिए भी। मुझे बहुत पसंद आया था वो मायों के लिए, इससे पहले जो देखा येलो में, और ये जो लाइट ग्रीन में है ये मुझे मेहंदी के लिए पसंद आया था। और मुझे इसी शॉप पे ये दोनों चीज़ पसंद आई थी, लेकिन जो रेट थे ना बहुत ही हाई रेट थे। मतलब ये ग्रीन वाला जो था ना ये 18,000 का था, ठीक है, तो उस टाइप के रेट थे इसके पास। बस उसके बाद ना हम लोग घर की तरफ निकल आए थे। असल में ना अम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, बीपी लो हो चुका था काफ़ी, तो इसलिए हम लोग फिर घर की तरफ निकल आए। हमने कहा चलो घर चलते हैं, क्योंकि फिर आपको पता शॉपिंग करते बहुत टाइम लग जाता है, और अम्मी से इतना चला भी नहीं जा रहा था। तो फिर बस हम लोग निकल आए थे, अभी मगरिब का कुछ टाइम था, अजान भी होने वाली थी, और जैसे ही रास्ते में पहुँचे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो बस फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों में फिर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तो आज कुछ ख़ास शॉपिंग हमने नहीं की। इंशाल्लाह एक दो दिनों में फिर से प्लान बनाएंगे, जाएंगे शॉपिंग के लिए। अभी तो आपको पता है कराची में फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और बस यही है कि जिस दिन बारिश नहीं होगी फिर ही जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और आपको पता है सबसे पहले लेना ही दूल्हा और दुल्हन की शॉपिंग करनी होती है, तो दुल्हन की तो काफ़ी हद तक हो चुकी है, और बस रह गया दूल्हा। बस अभी यही टेंशन है कि भाई की शॉपिंग हो जाए, क्योंकि आपको पता है इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, ऑर्डर पे ही बनता है। मतलब आप वैसे भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन बने बनाए ना वो चीज़ नहीं होती, मतलब उसकी फ़िटिंग वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं होती, और आपको जो क्वालिटी चाहिए वो भी नहीं होती। तो ऑर्डर पे जो है ना अपनी पसंद का वो लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलो व्लॉग को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।